गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने रिकॉर्ड सीट पाकर एक बार फिर अपना किला बचा लिया है। इस बार तो रिकॉर्ड सीट हासिल हुई है। साल 2002 में भाजपा को 182 में से 127 सीट मिली थी, इस बार यह आंकड़ा 150 के करीब जाता दिख रहा है। इन चुनाव में वैसे तो कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन सारी निगाहें जामनगर उत्तर पर थी। यहां से क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रीवाबा जाडेजा बीजेपी की उम्मीदवार थी। मैं आपको बता दूं कि भाजपा उम्मीदवार रीवाबा ने अपने निकटतम प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार कृष्ण भाई करमूर को 50,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से हराया। इस जीत के बाद रीवाबा और भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने रोड शो भी किया। जामनगर की जनता को इस प्यार और दुलार के लिए धन्यवाद किया। मीडिया से बात करते हुए रीवाबा ने कहा, गुजरात की जनता भाजपा के साथ थी और आगे भी रहेगी। अब पत्नी के विधानसभा पहुंचने के बाद जल्द से जल्द रविंद्र जडेजा भी अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। पत्नी रीवाबा का पर्चा दाखिल करने वक्त पत्रकारों से बात करते हुए खुद रविंद्र जडेजा ने पॉलिटिक्स में आने का इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि मुझ में अभी भी 4 से 5 साल की क्रिकेट बाकी है, इसके बाद मैं भी राजनीति में एंट्री करूंगा। रीवाबा का यह चुनाव इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि उन्हें परिवार में ही विरोध का सामना करना पड़ा। पति रविंद्र जडेजा जरूर साथ थे, लेकिन ननद नैना खुद इस सीट से कांग्रेस का टिकट चाह रही थी। ससुर और ननद दोनों उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे। का नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सीआर पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे अब वापस देखेंगे ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, सीआर पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी संनिष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में, वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे एक महीने की जो लगन जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी संनिष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में, वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे एक महीने की जो लगन जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है, और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी, और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पर आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए।